जो है लास्ट टाइम उसका बेसिक्स इंक्लूडिंग ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये सब हम कर चुके हैं, ये ना ये सब हम कर चुके हैं। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तुमसे, उसका आंसर करना है। मैंने तुम्हें बताया हाइपर कंजुगेशन जो है, हाइपर कंजुगेशन जो है वो तीन कंपाउंड में बेसिकली देखने को मिलता है। एक तुम्हारा है एल्कीन, कोई भी एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बोकेटायन, और तीसरा फ्री रेडिकल, तीसरा फ्री रेडिकल, इन तीनों में। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्थ, क्या इसके अंदर हाइपरजोशन होगा या क्या इसके अंदर हाइपरजोशन होगा? या फिर क्या इसके अंदर हाइपरजोशन होगा? चेक करो, बताओ जरा आंसर इसका, इनके अंदर हाइपरजोशन होंगे कि नहीं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर? हाँ क्या आंसर आएगा इसका? होगी सर फोर और फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, तीनों में है, तीनों में तीनों में होगी, होगी। तीनों में होगी ये। इसमें अल्फा जो दिख रहा है तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें रिवर्स हाइपरजोशन बता रखा ना लास्ट टाइम, रिवर्स हाइपरजोशन सीसीएल थ्री ओनली ग्रुप है जो शो करेगा। सीसीएल थ्री विल बी द ओनली ग्रुप विच विल शो रिवर्स हाइपरकंजुगेशन, उल्टे साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, ये मैं लास्ट टाइम करा चुका हूँ तुमसे ना। फिर नेक्स्ट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तुमसे, मैंने पूछा तुमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ध्यान देना, सबने पढ़ लिया ना उससे हाइपरकंजुगेशन? तो बताना विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, विच एल्कीन आउट ऑफ द टू इज मोर स्टेबल? सर पहला, एक बार देख के आंसर देना जरा। चलो बताओ फर्स्ट सेकंड में कौन सा स्टेबल है इसमें? ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये लेते हैं फिर चलो बताओ, ये चार क्वेश्चन दिया है मैंने, तुम बताना है विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड में भी फर्स्ट सेकंड, थर्ड में फर्स्ट सेकंड, फोर्थ में भी फर्स्ट सेकंड, करो जल्दी से।
निकाल लिया आंसर। वन फिर इक्वल टू फिर वन वन, सबके आंसर वन मतलब वन है। देखो सर फर्स्ट केस में इसमें कितने हाइपरजूशन बनेंगे? वेदांत बोल आंसर एक बार, कितने हाइपरजूशन है इसके अंदर? टेन टेन थ्री। यहां से ध्यान देंगे, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, लेक्चर्स मैंने पहले भेजे हुए हैं और मैं रोज रिमाइंडर डाल रहा हूँ पढ़ने के लिए। देखो सर तीन यहां से अल्फा जन तीन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यहाँ पे एच कितने होते हैं? दो। यहाँ एच कितने हैं? दो। तो इसलिए तीन अल्फा अर्जन ये रहे, तीन ये रहे, दो ये और दो ये, यानी टेन अल्फा अर्जन है इसके पास, टेन अल्फा अर्जन एटम इसके पास। इस वाले के पास कितने हैं वेदांत? सर एट। हाँ इसके पास टोटल है दो यहां से, दो यहां से, और यहां सी एच टू सी एस थ्री है तो दो ये रहे, ये सी एच टू सी एस थ्री है तो दो ये रहे। तो इसलिए कितने सिस्टम बन जाएंगे इसके? एट, एट अल्फा अर्जन है, एट अल्फा अर्जन है तो एट स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके अलावा। तो इसलिए स्टेबल क्या है? फर्स्ट वाला स्टेबल क्या? फर्स्ट वाला। ये तो दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है तो इक्वली स्टेबल, दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है इक्वली स्टेबल, दोनों इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर है। कितने हाइड्रोजन बनेंगे इसमें? कितने हाइपर कंजुशन बनेंगे इसके अंदर? तीन। कितने बनेंगे? थ्री। हाँ एक यहां से, दो यहां से, तो तीन हाइपर कंजुशन बन जाएंगे, तीन। ऐसे इसमें भी तीन बनेंगे, एक यहां से, दो यहां से। नेक्स्ट वाले सेक्टर में विच इज मोर स्टेबल? कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा इसमें से? सर फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर, रीजन? हाँ बिल्कुल सही है वेदांत, फर्स्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें तो कंजुगेशन आ गई ना, रेजोनेंस इफेक्ट आ गया इसके अंदर, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। हाइपरजूशन देखो बराबर है दोनों के अंदर, हाइपर कंजुगेशन दोनों के अंदर बराबर है। दो स्ट्रक्चर यहां से बनेंगे, दो यहां से, हाइपरजूशन इधर भी, दो इधर, दो इधर, हाइपर कंजुगेशन बराबर है, हाइपर कंजुगेशन बराबर है, दोनों साइड दो दो सेक्टर, चार से चार अल्फा अर्जन है, इधर भी चार हैं, इधर भी चार हैं। तो इसलिए चेक करेंगे पहला इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इस वाले में कोई रेजोनेंस नहीं। नेक्स्ट वाले सेक्टर में, ये सेक्टर थोड़ा रफ हो गया, ये था ना स्ट्रक्चर, ये फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज मोर स्टेबल? सेकंड वाला किससे बोला है? आकाश। सेकंड वाला क्यों स्टेबल है? इसमें कितने अल्फा अर्जन है? कार्बो कटायन है तो सर वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रिंग बन गया सर, सर वो रिंग बन गया तो जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा वहां से। अच्छा सही है, ये आकाश ने दिया आंसर? यस सर। 11th वाले किसी बच्चे का सही था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर तो देखिएगा। अल्फा अर्जन कितने इसके अंदर? अल्फा अर्जन इसके अंदर कितने हैं? तीन यहां से, दो यहां से, पांच अल्फा अर्जन है इसके बाद। इस वाले चेक करोगे तो चार अल्फा अर्जन है, दो यहां से, दो यहां से, फिर भी स्टेबल ज्यादा कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला। अब इसका रीजन किसको समझ आ गया? हैंड स्ट्रेस करेंगे बच्चों, किसको समझ आ गया? हैंड स्ट्रेस करेंगे एक बार, उज्जवल शर्मा और कोई, वेदांत,
और देखो चलो ओरिजिन देखेंगे बस। देखो पहला वाला जो केस है बहुत ध्यान सुनना, पहला वाला जो केस है इसमें ये कार्बन एक मिनट, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों sp2 है। sp2 में एंगल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? sp2 में एंगल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 120 की? नहीं ध्यान yes. ये बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीज है इसका। मैंने बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी कराई हुई है ना, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी कराई हुई है कि नहीं बोलो। मैंने बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी कराई है कि नहीं वेदांत? सर शायद नहीं कराई वेदांत। ये एंगल से नहीं पाया मैंने इसके अंदर की, जैसे ये 60 डिग्री का एंगल इधर होता है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 करते हैं और उसको आधा भी करते हैं, आधा क्यों करते हैं बताया नहीं वो लगे? सर आपने लेक्चर्स में तो ये बताया था कि इधर sp2 की वजह से एंगल बढ़ जाएगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये मैंने एंगल निकाला नहीं सिखाया क्या इसके, साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल स्ट्रेन है, साइक्लोब्यूटेन में कितना एंगल स्ट्रेन है, साइक्लोपेंटेन में कितना एंगल स्ट्रेन है? चलो एक बार नोट कर लो फिर, एक बार चलो एक बार ये नोट कर लेंगे। पहले ये ध्यान दो उधर, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, फिर बता देता हूँ एक बार स्ट्रेन थ्योरी। मैंने हालांकि मुझे लग रहा है मैंने आईयूपीएसी नेमिंग में कराई हुई है। कनिष्क कराई हुई है, चलो मैं एक बार जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको, एक बार ध्यान देंगे। मान लो अभी एक बार ध्यान देना जरा, साइक्लोप्रोपेन इधर एंगल आता है 60 डिग्री का, जितने भी साइक्लोएल्केन्स है ना सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ही है जो प्लेनर है, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ही है प्लेनर, क्योंकि तीन एटम्स हमेशा क्या रहेंगे सेम प्लेन, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, दे कैन रिमेन इन द सेम प्लेन, तो ओनली साइक्लोप्रोपेन इज प्लेनर, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन ये नॉन प्लेनर। ये ध्यान रखना चीज का, तीन एटम सेम प्लेन में रह सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है सबको पता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन इज ओनली प्लेनर। लेकिन अगर साइक्लोप्रोपेन भी तुम चेक करोगे ना पूरा मॉलिक्यूल, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर चेक करोगे तो उसमें ये वाला एच ऊपर एच कर देखें तब ये प्लेनर नहीं मानेंगे हम, इसका एच ऊपर है तो ये एच नीचे की तरफ, ये एच ऊपर 3D है ना, ये तो एच ऊपर एच नीचे, समझ आ रही बात कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ आ रहा वेदांत? नहीं सर। हाँ तो साइक्लोप्रोपेन प्लेनर है लेकिन एच अगर कंसीडर करेंगे तो एच ऊपर नीचे होंगे, तीनों एटम सी जो है दे कैन रिमेन इन द सेम प्लेन। अब ध्यान देना, अब इधर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है बोलो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? एसपी थ्री है, एसपी थ्री तो एंगल कितना होना चाहिए यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए था, एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, यानी एक तरीके से ये मॉलिक्यूल बहुत मतलब डिफिकल्टी में तकलीफ में है ये मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा अपने इसके बॉन्ड्स होते हैं ना साइक्लोप्रोपेन के बॉन्ड्स वीक होते हैं इसके, ये ना इसको इधर भी एक्सपेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करेगा, दोनों जगह एक्सपेंड करेगा। मान लिया मैंने एक्स यहां से एक्सपेंशन हुआ, एक्स यहां से एक्सपेंशन हुआ, बीच में है 60, बीच में 60 है, तो एक्चुअल क्या हुआ यहाँ पे 2x प्लस 60 इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये आएगा, तो x कितना आ गया, स्ट्रेन कितने का आ गया 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा कि नहीं? ये मैंने नहीं कराया वेदांत, एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला x यहाँ पे क्या एंगल स्ट्रेन सर, नेमिंग में कराया था आपने? हाँ नेमिंग में कराया हुआ ना ये, तो ये एंगल स्ट्रेन इसके अंदर कितने का है वो तुम निकाल लोगे इससे, ये एंगल स्ट्रेन है। मैंने उस समय क्वेश्चन में पूछा था कि हम हाफ क्यों करते हैं, स्ट्रेन 60 डिग्री है होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, तो स्ट्रेन तो सीधा 49 डिग्री 28 मिनट का आ गया, तो हम इसको हाफ क्यों कर रहे हैं, मैंने स्पेशली क्वेश्चन में पूछा था उस समय ऐसे, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि स्ट्रेन दोनों साइड होता है इसलिए हम इसको हाफ कर देते हैं, तो सारे स्ट्रेन निकलवाए भी थे,
तो अगर मैं ये एंगल 120 का कर दूं तो स्ट्रेन बढ़ेगा कम होगा? सर कम होगा, कम होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा अगर ये एंगल की ज्योमेट्री रिक्वायर करती है 120 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है। अब डिमांड कर रहा हूं मैं, पहले 109 का डिमांड कर रहा था, अब 120 डिग्री, तो स्ट्रेन तो बढ़ गया ना। यहां जो एंगल है देखो सर, अब जो एंगल होगा, पहले मैंने तुम्हें स्ट्रेन निकालना सिखा दिया, 109 की जगह अगर ये 120 डिग्री हो जाए तो जो x की वैल्यू है यानी स्ट्रेन की वैल्यू है वो बढ़ जाएंगी कि नहीं? देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं, नहीं क्लियर होगा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। जब यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था, मैंने कहा कार्बन sp3 है, होना चाहिए एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, एंगल आ रहा 60 डिग्री का, तो तुम ये यानी ये जो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में, इसको एंगल चाहिए 109 डिग्री, तो ये इधर भी एक्सपेंड करेगा इधर भी एक्सपेंड करेगा, स्ट्रेन आ गया इसके अंदर 49 डिग्री 28 मिनट्स का आधा। और अगर मैं कहूँ ये इधर एंगल 120 का चाहिए पूरा और है एंगल 60 का, तो इस मॉलिक्यूल की तकलीफ और बढ़ जाएगी कि नहीं? कनेश अर्णव समझ आ रहा कि नहीं? ये नहीं हो पा रहा। चलो देखो अभी जब ये मॉलिक्यूल है इसमें एक कार्बन एटम है जो sp2 है, इधर दो कार्बन एटम है जो sp2 है, तो एंगल की रिक्वायरमेंट दो जगह ज्यादा होगी कि नहीं? पहले रिक्वायरमेंट थी 109 डिग्री 28 मिनट की, अब उस रिक्वायरमेंट को मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 120 डिग्री, तो और ज्यादा तकलीफ में आ गया मॉलिक्यूल की नहीं? यस यस सर। अभी समझ नहीं आया, इधर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है जो sp2 है रिंग के अंदर वाला, ऊपर भी sp2 है लेकिन वो रिंग में नहीं है, ये कार्बन एक sp2 है, तो यहाँ पे एंगल ये चाहेगा 120 डिग्री का हो, लेकिन एंगल तो 60 डिग्री का ही है, तो इसकी तो तकलीफ बढ़ गई ना। नहीं समझ आ रहा अभी? यस सर। यस सर समझ आ गया। यही चीज तो मैंने पूछी है ऊपर, एक बार 11th वाले बच्चे हैंड से करेंगे जिनको समझ आ गया। ये मॉलिक्यूल मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाई दिस इज मोर स्टेबल इन स्पाइट ऑफ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टर। जल्दी से अनीश को समझ आ गया, वेदांत को, उज्जवल को, कनिष्क को, निवृत्ति को, छवि को समझ आ गया, अर्णव को, कृष्णा को, निशी को, अंशिता को भी समझ आ गया, बहुत अच्छे। 10 बच्चों को समझ आ गया, 12th वालों को तो सबको समझ आ गया ना, 12th वालों को सबको समझ आ गया है? यस सर। उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ उनको समझ आ गया होगा, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने लास्ट ईयर भी किया हुआ इसलिए। तो देखो सर, तो इसलिए इसलिए दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, सेकंड ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल क्योंकि इसमें एक ही एटम है जो तकलीफ में है, इसमें दो एटम है जो sp2 है और रिंग के अंदर है, इस वजह से दिस इज मोर स्टेबल। बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, एक बार जल्दी से देख लेंगे। देखो बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी, इसने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, इसने कहा अपनी थ्योरी में कि जितने भी पहले तो साइक्लोएल्केन्स जो हैं वो प्लेनर है, वो क्या है, प्लेनर है। अब प्लेनर बोलते ही एंगल होना चाहिए कार्बन टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये एंगल आया 60 डिग्री का, साइक्लोप्यूटेन आया तो एंगल आया 90 डिग्री का, साइक्लोपेंटेन आया तो एंगल आया 108 डिग्री का, साइक्लोहेक्सेन आया तो एंगल आया 120 डिग्री का। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन, अब उसने बोला कि साइक्लोएल्केन जो इसे प्लेनर माना तो ही ऐसा पॉसिबल है, इसने प्लेनर माना मॉलिक्यूल को तो ही ऐसा पॉसिबल है। अब जो साइक्लोप्रोपेन है वो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, और कितना स्ट्रेन आता है इसका 49 डिग्री 28 मिनट्स का आधा, ये बता रखा मैंने, फॉर्मुला भी डिराइव कर दिया मैंने पीछे, एक्स मान के ये एक्स दोनों साइड स्ट्रेन एक्स एक्स, तो 2x प्लस 60 जो 209 डिग्री 28 मिनट्स, तो स्ट्रेन आ जाएगा ये एंगल स्ट्रेन है इसके अंदर। और ये कितना आता था याद है किसी को, 24 डिग्री 44 मिनट्स, एक बार चेक करना,
24 डिग्री 44 मिनट यही आता है, एक बार चेक करना, ये आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट। और ऐसे ही अब इसमें स्ट्रेन कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 19 यानी 19 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2, ये स्ट्रेन आएगा इसके अंदर दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, एक्स एक्स मान लेगा स्ट्रेन, तो इसके लिए आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट। कर लेने का कंफ्यूजन, 9 डिग्री 44 मिनट का स्ट्रेन आ जाएगा। इसमें स्ट्रेन सबसे कम आएगा, इसमें कितना आएगा 1 डिग्री 28 मिनट का आधा, ये स्ट्रेन आएगा एंगल स्ट्रेन, तो ये कितना आ जाएगा 44 मिनट का, हाँ सर 44 मिनट का स्ट्रेन आ जाएगा। और इसमें स्ट्रेन नेगेटिव वाला आएगा, इसमें कितना स्ट्रेन आएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120, तो इसमें स्ट्रेन आना चाहिए -10 डिग्री 32 मिनट क्या, एंगल स्ट्रेन नेगेटिव में, तो कितना आ जाएगा ये 72 -5 डिग्री 16 मिनट, ये आएगा कि नहीं 72। कितना आएगा 10 डिग्री 32 मिनट है ना ये, नहीं 72 नहीं होगा, 128 मिनट 10 का हाथ आधा 5 32 मिनट का आधा 16 मिनट नहीं 32 देखो उत्तर होगा, अच्छा 72 आएगा, सॉरी 72 आएगा ना, तो ये 36 आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज देखेंगे, अब एक चीज देखो, अब सबसे कम स्ट्रेन किसमें है, सबसे कम स्ट्रेन किसमें है, तो होगा मिनट तो 60 होते हैं ना, 100 थोड़ी, अच्छा हाँ 28 मिनट था ना, 32 ही तो आएगा ये, और ये 16 आएगा, सही तो है। अच्छा एक बताएंगे, अब एक चीज बताएंगे, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन साइक्लोपेंटेन, वेयर ने बोला कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, साइक्लोपेंटेन, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, लीस्ट स्टेबल होगा साइक्लोप्रोपेन, ये होना चाहिए बेयर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, दिस शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन उसने मॉलिक्यूल्स को क्या माना था, प्लेनर, पहले तो मॉलिक्यूल्स प्लेनर नहीं होते, लिविंग साइक्लोप्रोपेन, एक तो यहाँ पे ये गलती की थी उसने कि मॉलिक्यूल्स को उसने प्लेनर मान लिया था, ये गलती कर दी। दूसरा मेनली हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उससे डिफाइन करते हैं कि नहीं, उसके हीट ऑफ कम्बशन से या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, ये पता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके हम हीट ऑफ कम्बशन से डिफाइन करते हैं, और हीट ऑफ कम्बशन क्या होता है, हीट ऑफ कम्बशन, वो ध्यान देना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअल में हीट ऑफ कम्बशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करता है। हीट ऑफ कम्बशन जो होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन किससे होता है, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन उतनी कम स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अगर कंपाउंड के अंदर एनर्जी स्टोर ज्यादा है, अगर कंपाउंड के अंदर एनर्जी स्टोर ज्यादा है तो क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा, वो कम स्टेबल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे मैंने तुमसे, मैंने अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया से, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, मान लो ये ले लेते हैं, चलो साइक्लोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अब मैंने बोला इनको तीनों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, तीनों को हीट ऑफ कम्बशन में अरेंज करो या स्टेबिलिटी, एक ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोहेक्सेन भी ले लिया, ये चार कंपाउंड ले लिए, एक दो तीन चार और एक ले लेते हैं पांच, ये इन चारों को हीट ऑफ कम्बशन में अरेंज करना है, बताओ क्या आंसर आएगा, हीट ऑफ कम्बशन भी आ सकता है, स्टेबिलिटी भी आ सकता है, निकालो आंसर।
हाँ बोलो क्या आंसर आएगा इसका, वेदांत? देखो सर, देखो बहुत छोटी सी बात है, जैसे C6H14 प्लस इसमें O2 डाला, तो तुम जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी ना, 6CO2 + 7H2। यहाँ स्टार्टिंग में तुम कुछ एनर्जी दोगे, थोड़ी सी एनर्जी दी, मान लो यहाँ पे मैंने एक्स एनर्जी दी, वाई एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा हमारा, वाई माइनस एक्स, यही तो होगा, यही हीट ऑफ कंबशन है। और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कितना 12 और 7 19 में डूबा जाए। जितने ज्यादा CO2 रिलीज होंगे, जितने ज्यादा H2O बनेंगे, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, बॉन्ड बन रहे ना, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए मैंने बोला हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बोनेट। तो सबसे ज्यादा किसमें हीट रिलीज होगी, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, बोलो सर? वन। हाँ सबसे ज्यादा वन की, फिर टू की, टू के बाद थ्री की, थ्री के बाद फोर, और लीस्ट होगी फाइव की। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, बताओ, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सर्फेस एरिया कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, सो ध्यान रखना। स्पेशली इन तीनों का पूछते हैं, वो दोनों तो मैंने ऐसे दे दिए, एक ज्यादा कार्बन वाला एक कम कार्बन वाला, ये पूछेंगे इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा, ये वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा, ये वाला नियोपेंटेन, मोस्ट स्टेबल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इसके अलावा नेक्स्ट एक एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया अब चलो इसको ले लेते हैं जल्दी से, इनको तीनों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में करो जल्दी से, या हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करो, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करना है। एक और ले लेते हैं, इसी एक ले लेते हैं हम, एक ये ले लेंगे, हीट ऑफ कंबशन में अरेंज करना है चारों, 1, 2, 3 और ये 4। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होगा सर, आप एक बार पिछले वाले का आंसर बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 ये बोलो जल्दी से, देखो जल्दी करना है, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है जो कवर करना है अभी। देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा शेवल, इसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, सॉरी सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसका होगा, चलो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर दो, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किसका होगा, फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ में हाइड्रोजन दो ज्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा बन जाएंगे। नहीं समझ आई बात, हाइड्रोजन ज्यादा ना इसमें, इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10 है, बाकी उनके फॉर्मूले क्या है, C5H8, चेक करो ऊपर। नहीं समझ आई बात सर, आ गई। तो इसलिए पहले क्या आएगा, फोर्थ, अब उसके बाद तीनों में सब कुछ बराबर है। मैंने लिखा था ना हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी एटम ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ कंबशन विदाउट एनी डाउट ज्यादा हो। तो पहले आ गया C5H10, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, रीजन क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है। उसके बाद इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल आइसोलेटेड डाइईन है, ये कंजुगेटेड डाइईन है, ध्यान सुना नाम इनके, ये कंजुगेटेड डाइईन है, ये आइसोलेटेड डाइईन है, और ये क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड यानी दो डबल बॉन्ड एक साथ हैं, जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, एलीन्स, एलीन्स आर हाईली अनस्टेबल, क्लियर, एलीन्स आर हाईली अनस्टेबल, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इसलिए
इसकी हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगी, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। देखो नहीं क्लियर हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है तो उसके अंदर एनर्जी कम स्टोर होगी, O2 ऐड करने पर रिलीज भी कम करेगा, और फोर्थ वाले में हाइड्रोजन एटम थोड़े ज्यादा, दो एटम ज्यादा होंगे, इससे पानी ज्यादा बनेंगे, बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। थर्ड वाले में दो डबल बॉन्ड एक साथ है, ये तो एलीन है, हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल, समझ गया कि नहीं ये? बात समझ गया कि नहीं? वेदांत यस सर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ, अब अगर मैं तुमसे पूछूं इनका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, जो क्वेश्चन मेरे को करवाना था ना मैं उस पे आ गया हूं, इनका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन था एक्चुअली, क्या ये क्वेश्चन उसमें दे नहीं रखे हैं मेरे हाइपर कंजुशन के लेक्चर्स में? हीट ऑफ कंबशन के हैं, यस सर है। नहीं है ना, तो फिर आंसर बोलो, अब इसका निकालो आंसर, यही क्वेश्चन था मेरा, इसको निकालो भी, रीजॉइन करो।